दोस्तों सब्सक्राइब करें गौरव राइडर व्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ताबू में अच्छे रेस्टोरेंट्स और होम स्टे और होटल हैं, यहाँ रहने और खाने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप यहाँ पर नहीं है। किसी ने पीछे बताया था कि है, लेकिन यहाँ नहीं है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप है अब सीधा काजा में, और हम अब सीधा काजा जा रहे हैं। अभी हमारे पास फ्यूल तो बहुत है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा रखने का सोच रहा था 10 लीटर, अब वो काजा में ही लेना पड़ेगा। और अगर यहाँ मिल जाएगा, यहाँ ब्लैक में 100 रुपीस के अप्रोक्स बता रहे थे, लेकिन हमें लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वी हैव इनफ फ्यूल। अब यहाँ से रह गया है 40 किलोमीटर काजा, फिर उसके बाद किप्पर, फिर उसके बाद कुंजुम, फिर किलोंग, फिर जिस्पा, फिर सरचू, फिर आएगा ले, और सरचू के बाद पांग। तो यहाँ फोटो करा लेते हैं, हमने बड़ी देर से फोटो नहीं करवाई थी। कितना खूबसूरत ये रास्ता है, और ये है स्पीति रिवर। अभी गर्मी है, लेकिन इस रिवर का पानी बहुत ठंडा है।
ये पत्थर गिरे हुए हैं छोटे छोटे, ऊपर से छोटे छोटे पत्थर रोड पर गिर रहे हैं। ये रास्ता ही कुछ ऐसा है, ये देख रहे हो सामने। के पत्थर गिरते हैं, कृपया ध्यान पूर्वक चलें। सब रोड क्लीन कर रहे हैं, यहाँ पे जो पत्थर गिरते हैं उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं रिवर के पास, क्योंकि ये एरिया ही कुछ ऐसा है। अगर पत्थर गिरते रहेंगे तो गाड़ी स्लिप होने के चांस रहते हैं। रास्ता है या अलग है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वहाँ लैंडस्लाइड हुए हो और वही रास्ता हमारा भी हो जाने का। और ये रास्ता जाता है माने, ये रास्ता माने की ओर जाता है। तो फाइनली हम काजा पहुंच गए हैं,
और यहाँ से दो रास्ते हैं, अगर सीधा मनाली और ये है काजा का। ओ बहुत देर के बाद दिखा है ये इंडियन ऑयल, वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट काजा हिमाचल प्रदेश।